हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी की कढ़ी, जो बेसन से बनती है। यहाँ पर जो जो चीज़ मुझे लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसन वाली पकौड़ी की कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। ये बेसन है, इसी से मुझे पकौड़ी भी बना लेनी है और बाद में मेरे को दही में मिलाकर इसका पतला सा घोल बनाकर उससे कढ़ी भी बनानी है। दही ले लिया है 1 कटोरी। मसालों में मैंने यहाँ पर ले लिया है धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, कसूरी मेथी है। छौंक लगाने के लिए मैंने इसमें लिया है साबुत धनिया, यहाँ पर है जीरा और ये है सरसों और मेथी दाना। यहाँ मैंने ये हींग ली है, लहसुन है, साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च भी है। सरसों के तेल में हम पकौड़ी बनाएंगे और यहाँ पानी है। चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन की पकौड़ी वाली कढ़ी। अब हमें बेसन की पकौड़ी बनानी है तो इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पर बेसन। ये मैं इस बाउल में निकाल लेती हूँ। ये निकाल लिया मैंने, आधा इसमें आधा छोड़ दिया इसको। इससे बनाएंगे पकौड़ी तो इसके लिए हम इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसका एक घोल बना लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च और इसको मिलाने के बाद इसके हम बना लेते हैं पकौड़े। जैसे मैंने कढ़ाई को रख दिया है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल मुझे ज़्यादा लेना है क्योंकि मुझे इसमें पकौड़ियाँ तलनी हैं, इसलिए। यहाँ जो मैंने बेसन का घोल बना के रखा है पकौड़ी के लिए, हमारी पकौड़ी अगर अधिक हमको सॉफ्ट बनानी है तो इसके लिए हम इसमें खाना सोडा डाल सकते हैं 1 चुटकी। 1 चुटकी खाना सोडा डालने से बहुत ही सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनती हैं और अगर आप नहीं डालना चाहें तो इसको काफ़ी फेंटते रहें, फेंटने से भी बहुत सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनती हैं। चलिए हम बनाते हैं पकौड़ियाँ अपनी। तेल गर्म हो चुका है, हम डालते हैं इसमें, ये देखिए हाथ से ही बनाना है हमको इस तरह से। मैं पलट देती हूँ। यहाँ पर पकौड़ियाँ अच्छे से बन चुकी हैं, देखिए ये देखिए। इसी तरह से मैं अपनी सारी पकौड़ियों को बना लूंगी। यहाँ पर इनको निकाल लेती हूँ। यहाँ पर सारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हैं और कढ़ाई में जो तेल है उसको मैं निकाल लूंगी क्योंकि
अभी जब मैं कढ़ी बनाऊंगी तो मुझे इतना तेल नहीं चाहिए, मैं लास्ट में इसमें छौंक लगाऊंगी कढ़ी में। मसाला तेल इसी तरह से पूरा तेल निकाल लिया है मैंने कढ़ाई में, बिल्कुल थोड़ा सा तेल है। अब मुझे बेसन की कढ़ी के लिए घोल बनाना है, तो मैं बनाती हूँ घोल। जैसे मैंने पकौड़ी बनाई थी मैंने उसी को ले लिया है, और उसमें जो बचा हुआ बेसन था उस बेसन को मैं इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं इसके अंदर अभी नमक नहीं डालूंगी, मैं डालूंगी इसमें सूखा धनिया 2 चम्मच, हल्दी पाउडर। इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें दही, दही की मैंने छाछ बना के रख ली है, ये देखिए। अभी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये दही है, इसी से मैं इसको मिलाऊंगी। ये गाढ़ा घोल बनकर तैयार है। अब मुझे मिलाना है इसमें पानी, तो ये मैं पानी मिला लेती हूँ, 2 बड़े गिलास पानी, ये देखिए इस तरह से। अब मुझे इसको कढ़ाई में डालना है। अब इस घोल को मैं डालूंगी कढ़ाई में, थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ मैं इसमें। इसी के साथ मैं अभी इस वक्त इसमें डाल दूंगी ये 2 हरी मिर्च और 2-3 ये लाल मिर्च। अब हमें कढ़ी को लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाए। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमारा जो दही है वो फट जाएगा, जिससे कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे चलाते रहना है। और नमक नहीं डालना है, जब उबाल आ जाएगा तभी हमें नमक डालना है इसमें। कढ़ी में उबाल आ चुका है, ये देखिए। अब हम डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच नमक डाल ली हूँ। अच्छे से मिल गया है। अब हमें 10 मिनट तक इस कढ़ी को धीमी आंच पे पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं और कढ़ी अच्छे से पक चुकी है। अब हम डाल देंगे इसमें बेसन की पकौड़ियाँ और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब हमें लगाना है इसमें छौंक, तो चलिए लगाते हैं इसमें छौंक। अब कढ़ी में छौंक लगाने के लिए मैंने ले लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी सरसों का तेल जो बचा हुआ था। तेल गरम हो चुका है, यहाँ पर मैंने ये हींग है, तो मैं हींग इसमें अभी आधी ही डालूंगी, आधी छोड़ दूंगी। और ये जो मैंने लिए थे चारों सूखे मसाले, ये डाल दूंगी। गैस की फ्लेम को कम करके इसमें मैंने जीरा जो कूट के रखा था वो डाल दूंगी। अब यहीं पे मैं डाल लूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गैस को मैं बंद कर दूंगी, इसको तड़के को मैं लगा दूंगी कढ़ी के ऊपर। अब मैं डाल दूंगी इसमें कसूरी मेथी। इसी के साथ जो मैंने हींग को यहाँ पर थोड़ा सा बचा के रखा था उसको मैं
मैं यहाँ से ले लेती हूँ थोड़ा सा कड़ी, और इस पे इस हींग को मैं डाल दूंगी। कच्ची हींग का एक अलग स्वाद आता है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रख करके और इसमें मैं डाल दूंगी। ये देखिए कड़ी बनकर तैयार है। इसे खाइए, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ खाइए और जिससे आपका मन करे उसके साथ खाइए। कैसी लगी आपको मेरी ये कड़ी, ये रेसिपी, एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको मेरी ये कड़ी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मेरे इस चैनल को शेयर भी करिए। आगे भी मैं ऐसी रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।